हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, मैं ना दीदी के घर आई हूँ, बिकॉज दीदी नहीं है ना, तो बेबी का एग्जाम चल रही है। हमेशा जब बेबी का एग्जाम होता है, मैं ही उसको पढ़ाती हूँ, सिलेबस कंप्लीट करवाती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कुछ टाइम यहाँ रुकूंगी, अभी तो 3 दिन के लिए आई हूँ क्योंकि दीदी नहीं है ना। और गाइस, मैं आप लोगों को एक सैड न्यूज बताना चाहती हूँ। मुझे बताते हुए भी बहुत बहुत बुरा लग रहा है, मैंने बहुत सुबह भी रोया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन पहले इतना हंगामा हो गया था कि मंग गायब हो गया था, है ना गाइस। आप सभी को टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि क्या बैड न्यूज़ है गाइस। 2 दिन पहले मंग गायब हो गया था। फिर बहुत सारा चीज़ें, आप अगर मेरा डेली व्लॉग देखते हो तो आपको पता चल गया होगा, मतलब आपको पता ही होगा कि क्या क्या हुआ था। तो गाइस, मंग मंग अभी एनिमल्स लोग का शायद से वायरल चल रही है। मेरा बहन का एक कलीग का भी कैट मर गया है, ऐसा बोला। उसके नेक्स्ट दिन हम लोग का मंग का भी डेथ हो गया। उससे पहले नासिंग का जो पेट था ना, वो भी ऐसे था, उल्टी करके कुछ भी नहीं खा रहा था, वैसे मर गया। फिर उसके बाद मंग का पता है क्या हुआ था गाइस, रुको गाइस बताती हूँ। सॉरी गाइस, मैं ना हमेशा मैं कभी भी अपना चैनल में सैड न्यूज़ दिखाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा चैनल एक पॉजिटिव वाइब देती है बहुत लोगों को, और मैं देना चाहती हूँ, तो बट मजबूरन मुझे देना पड़ रही है सैड न्यूज़ क्योंकि 2-3 दिन पहले इतना सारा चीज़ें हुआ था और आप लोगों की वजह से मुझे मंग वापस मिला था हमें। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है, मंग ना जब वापस आया था, उसका ना एक पहले जब मंग का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर में ना स्वेलिंग हो गया था, तो माला ना मेडिकल लेकर गया था। हम लोग ने ना पूरा मेडिकेशन अच्छे से करके मंग को पूरा हील कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में वो ठीक हो गया था, बहुत सारा केयरिंग का बाद में, खाना वाना सब कुछ पूरा अच्छा से करवाने का वजह से वो ठीक हो गया था। उसके बाद गायब हो गया। जब गायब होके वापस आया था, उसका वो ही पैर में पता नहीं किसी ने गाड़ी चरा दिया या क्या हुआ, वो हमें कुछ नहीं पता गाइस। उसका ना लंगरा था, आपने पिछला वाला वीडियो में देखा होगा, लंगरा के चल रहा था, बट वो एक्टिव था वो। फिर उसके बाद में वापस आके बस 2 दिन ही रहा, एक दिन उसके बाद नेक्स्ट दिन में अचानक सडनली वो बीमार हुआ। वो खाना भी नहीं खा रहा, मंग ना वॉमिट कर रही थी। मंग एक्चुअली लड़की थी वो, ये किस वजह से हो रहा है हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। उस समय पे बारिश भी हो रही थी, वेदर ठीक नहीं था, तो हमने सोचा कि वेदर ठीक होने के बाद में मेडिकल लेके जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग को माला बोला कि मंग का ब्लीडिंग हो रहा है, तो आई वॉज सो शॉक्ड। फिर मुझे लगा कि शायद से पीरियड्स हो रहे होंगे, पर पीरियड्स होने के लिए मंग लोग तो अभी बस हार्डली 2 मंथ्स ही हुआ है, तो वैसे कंफ्यूज है क्योंकि हम लोग मतलब इतना पहले कभी हम लोग ने पेट ऐसे पाला नहीं ना, प्रॉपरली ऐसा कभी नहीं पाला, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो माला बता रहे थे कि मंग ब्लीड हो रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लेकर जाएंगे हॉस्पिटल जब माला शाम को वापस आ जाएगी। तो उसके बाद मैं ना इधर से उधर बहुत ट्रस्ट था गाइस, बहुत ट्रस्ट था, मैं भी बहुत ट्रस्ट में थी, इधर उधर करके क्या क्या। जब मैंने मंग को देखा ना, मंग मतलब ऐसे हो रहा था, मतलब उसका अंदर में ताकत ही नहीं बचा। फिर वहाँ पर आग वाग जला के मंग को आग के सामने में कंबल लगा के उस पर रखा हुआ था। फिर मंग वहाँ पे नहीं बैठ के अलग से, मतलब पता नहीं क्या बोलूँ, मतलब अलग से जैसे इंसान होते नहीं है क्या, शायद से पता नहीं क्या मंग को पता चल गया था होगा उसका बीमार, शायद से उसको फैल जाएगा, पता नहीं। मैं कभी भी डॉग्स लोग के लिए इतना फील नहीं करा, वो पांडा के बाद में अब मंग। अब मैंने गाइस सोच लिया कि अब मैं कभी ये सब चीज़ों में ना कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगी गाइस, पता है। उसके बाद में शाम को मुझे भी इधर आना था इमरजेंसी, क्योंकि दीदी निकल रहा था। दीदी को मैंने बोला कि शाम को आ जाऊँ क्या, तो दीदी बोला कि नहीं भाई, वो बेबी का साथ में कोई भी नहीं है, आना पड़ेगा करके। तो मैं निकल गई, ठीक है। मैंने यारूब को बोला था कि अच्छा से देखना, उसको ख्याल रखो, खाना पीना अच्छा। उससे पहले मैं उसको ना कुछ खिलाया था, पर वो खाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाया। खाने के लिए मैंने खिलाया था, वो बिल्कुल भी नहीं खाया। फिर मैंने यारूब को ऐसा बोल के निकल गई थी। तो मैंने ना माला को कॉल किया था कि तुम आके मंग को आज हम लोग को जिससे भी मेडिकल लेके जाना पड़ेगा,
नहीं, उससे पहले ना मैं एक दीदी से बात कर रही थी। एक्चुअली मैंने ना उसको कुछ और चीज के लिए कॉल करी थी, बट वो बोला कि वो अपना काम धंधा सब छोड़ के बैठा है, अपना पेट को मेडिकल का चक्कर लगवा रहा है। मैंने पूछा ना, आपका पेट को क्या हुआ है? तो वो बता रही थी कि ऐसे उल्टी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और उल्टी हो रही है बोला। तो मैंने बोला कि हमारा पेट भी उल्टी कर रहा है, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है। तो वो बोला कि ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, उसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ेगा, नहीं होने से तो वो मर जाएगा। इतना ज़्यादा दिन भी नहीं रहे, एक दिन भी नहीं रहेगा। अगर वो ज़्यादा मतलब उसका तबीयत ख़राब है तो उसको फ़ायदा नहीं है। हमें जब पता चला तो मोंग मतलब सुबह को हल्का सा ठीक है, उल्टी वगैरह हुआ था, शाम तक सीरियस हो गया था। वो ना मतलब खराब ही नहीं हो पा रहा था, ऐसे हो गया था मोंग। तो मैंने माला को बोला, फिर मैंने माला को बोला कि वो दीदी का भी ऐसा ऐसा हो रहा है, मोंग को जैसे भी मेडिकल लेके जाना पड़ेगा। तो माला ने बोला कि मोंग तो आखिरी सांस ले रहा है, ऐसे बचेगा ही नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला कि वीडियो भेजो। वीडियो देख के मेरे सही में वो वाली अभी तक मेरे आँखों में ना विजुअलाइज हो रही है गाइस। तो मैंने वीडियो सारा डिलीट कर दिया, और मैं आप लोगों को ये अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा ना मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और आज के बाद मैं कभी भी पेट अडॉप्ट नहीं करूँगी। गुजुंग है, अब देखते हैं गुजुंग को भी। सो दैट्स इट गाइस, आज कोई व्लॉग नहीं है, मैं बस अपडेट देना चाह रही थी। बाय।